असिस्टेंट हूँ टेक्निकल अतीत में। अगर आप भी वाईफाई लगवाना चाह रहे हैं और वाईफाई का सबसे पूछ के प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के पॉकेट फ्रेंडली प्लान के बारे में। मैं इस वीडियो में चार टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ इन चार टॉपिक में मैं आपका डाउट सारे क्लियर कर दूँगा। पहला टॉपिक कि आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। दूसरा टॉपिक कि आपको पर मंथ कितना चार्ज पेड करना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक कि आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाने के लिए कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चौथा कि आपका टोटल इंस्टॉलेशन चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और बराबर में उसका बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि टेक्निकल अपडेट से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अपने इस वीडियो के पहले टॉपिक के लिए कि आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बॉक्स में जो पहली चीज़ मिलती है वो ये रोटर जो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की ब्रांडिंग के साथ आ जाता है। इसमें आपको 2.4 और 2.5 GHz का सपोर्ट मिलता है जो कि 4GB है और 5GB। ये मेड इन इंडिया है और इसमें जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो इंडिकेटर सारे आगे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पावर का है, इंटरनेट का है, 2.4 2.5 GHz का है, प्लान 1 लैन 2, इसमें सारे इंडिकेटर आपको आगे देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको यहाँ पर टी शर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात करें पीछे की तो आप ऑन ऑफ का भी बटन देखें। दूसरा जो देखने को मिला था वो एडप्टर। तीसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कनेक्टर। ये बॉक्स में नहीं आता, ये इंस्टॉलेशन इंजीनियर होते हैं, ये पर्सनली रखते हैं ये कनेक्टर वो देते हैं। अगर आप लैन केबल जानते हो क्या होता है, वो लैन केबल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अब एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में आपको मिल रही है या नहीं, तो बैड न्यूज़ ये है कि वो अब नहीं मिलती। ये होती है लैन केबल जिसके पोर्ट आपको यहाँ पे दिए गए होते हैं। और ये जो किसका मत ये जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ, ये जो लैन केबल होती है इसका काम ये होता है कि डायरेक्ट या आप रूटर से अपना PC और एंड्रॉयड TV कनेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने परचेस करी थी, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको लेनी है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इसकी। बात करें वीडियो के सेकंड टॉपिक की कि आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवा लेते हो तो आपको मंथली कितना पेमेंट करना होगा। फिर एक पॉकेट फ्रेंडली प्लान है वो 199 का देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पीड 10 Mbps होती है और ये आपको 5 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है अनलिमिटेड डाटा के साथ। अब बात करते हैं अपने वीडियो के तीसरे टॉपिक पे कि आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का 199 का प्लान लगवाने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आप नेट पर सर्च करोगे तो सबसे बेसिक प्लान जो है इनका 499 का है, तो इसका सबसे ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें आपको नाम फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस फिल करना है। फिर जब आप ये फिल कर दोगे, सबमिट कर दोगे फिल करने के बाद, तो जो इनका फील्ड एग्जीक्यूटिव है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वालों का, वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम एरिया की हो जाती है कि हमें कनेक्शन चाहिए होता है मगर इनके बॉक्स नहीं लगे हुए होते हमारे एरिया में, तो हमें कनेक्शन नहीं मिल पाते। ये है कि जब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके कनेक्शन लगवाओगे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का, तो उसमें आपको 3 GB बॉक्स मिलेगी। जब आपकी फील्ड एक्सक्यूटिव से बात हो जाएगी और आपका एरिया एयरटेल फाइबर एक्सट्रीम के लोकेशन पर आता है, तो जब वो विजिट करेंगे आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। वो अप्लाई करके चले जाएंगे। जब वो अप्लाई करेंगे तो आप अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल आगे पीछे करवा सकते हैं कि आप कब इंस्टॉलेशन करवाना है। तो जब वो अप्लाई कर देंगे तो सेम डे या नेक्स्ट डे इंस्टॉलेशन इंजीनियर आएंगे और सारा इंस्टॉलेशन करके चाहिए। और यकीन मानिएगा इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सब एक्सपर्ट होते हैं, वो सारा काम ऑटोमेटिक खुद कर देंगे। आपको कोई बताने की नीड नहीं रहेगी, बस आपको ये बताना होगा कि आपको रोज हल होना, बाकी सारा काम वो करें। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, क्या इंस्टॉलेशन चार्ज आपको कितना देना होगा।
इस प्लान 199 का। तो सारा इंस्टॉलेशन जो चार्ज आपको देना है सिर्फ 1675 रुपये, 1675 रुपीज़ 1675 रुपये में आपका सारा इंस्टॉलेशन चार्ज रहता है वायर से लेकर मीटर तक, आपको ये रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च करने की नीड नहीं है। अब आपके माइंड में अगर एक डाउट आ रहा होगा कि 10 Mbps कितनी स्पीड होती है, क्या क्या इसमें चल जाएगा, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि चार मोबाइल मेरे कनेक्ट रहते हैं इस पर और एक एंड्रॉयड टीवी फुल HD में चलता है आराम से 10 Mbps। तो यह है अगर आपको घर के लिए लगवाना है 10 Mbps का प्लान तो 199 बेस्ट है मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया जो क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो में तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई कर सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए, तब अपना ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ अपनी अगली टेक्नोलॉजी के अनुसार।